वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। यूपी के मेरठ में सत्ताधारी भाजपा से जुड़ी एक नेत्री व स्पोर्ट्स व्यापारी के पुत्र के बीच संबंधों का अजीबोगरीब मामला आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। अब से 3 माह पूर्व जब व्यापारी के पुत्र ने किसी और से सगाई करने की कोशिश की तो भाजपा नेत्री ने मुरादाबाद के एक होटल में पहुंचकर न सिर्फ हंगामा खड़ा कर दिया बल्कि सगाई कार्यक्रम को भी रुकवा दिया था। इस सारे फसाद में भाजपा के कई विधायकों ने भी सत्ता की हनक दिखाने का प्रयास किया था। व्यापारी पुत्र पर बलात्कार जैसी गंभीर धाराएं लगी तो व्यापारी परिवार ने भी भाजपा नेत्री के खिलाफ मारपीट आदि की धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया था। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। आज करीब 3 माह बाद स्पोर्ट्स व्यापारी ने अपने अधिवक्ता राम कुमार शर्मा संघ एडीजी व आईजी से मुलाकात कर आरोप लगाया कि ब्लैकमेल पर उतारू भाजपा नेत्री के दबाव में पुलिस उनका व उनके परिवार का मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न कर रही है। वहीं भाजपा के छात्र राजनीति से जुड़ी नेत्री का कहना है कि केस को कमजोर करने के लिए ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। झोकुट्टे मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज कराए जा रहे हैं। कैलाशपुरी निवासी छात्र राजनीति से जुड़ी भाजपा नेत्री के खिलाफ शिकायती पत्र देने के बाद स्पोर्ट्स व्यापारी अजय मित्तल ने मीडिया को यह जानकारी दी। अजय मित्तल नाम है मेरा। क्या प्रकरण है सारा, ये क्या मामला है? प्रकरण यह है, बेटे को फंसाया जा रहा है। क्या नाम है बेटे का? अरुणी मित्तल है और उससे जबरन शादी का विषय है कि उनका उद्देश्य एकमात्र ये कि शादी करा दो, अगले दिन डाइवोर्स करा दो और कोई मतलब नहीं है उनका। तो क्या इनका प्रेम प्रसंग वगैरह कुछ रहा पहले? इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। पता चला कि 20 साल से ये लोग साथ, 2003-04 से इन्होंने उसमें लिखवाया FIR में कि मेरे इनसे संबंध थे और ये मेरे साथ जबरदस्ती करता था और हमारी फैक्ट्री पर आके उसने जो है मेरा शोषण किया और मेरी वीडियो बना के मुझे ब्लैकमेल करता रहा, जबकि कभी फैक्ट्री कभी नहीं आई है, कोई मतलब नहीं है, हमारे यहाँ कभी नहीं आई, हमसे कभी नहीं मिली, हम उससे कभी नहीं मिले। अच्छा, मकसद क्या हो सकता है इसके पीछे? मकसद इसके पीछे कुछ भी हो सकता है, पैसा हो सकता है। वहीं अजय मित्तल के वकील रामकुमार शर्मा ने यह बताया। दोनों ही एबीवीपी के कार्यकर्ता पहले रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन कोई इस प्रकार के कोई रिलेशंस उनके साथ नहीं थे कि इससे दोस्ती को शादी लायक कोई मैटर हो। वो लड़की जैसे एक पिक्चर नहीं है प्यार तूने क्या किया, है ना, उसकी स्टाइल में काम कर रही है। इनके बेटे की शादी मुरादाबाद में हो रही थी, मार्च में थी ना बॉस, मार्च में जो है शादी हुई थी। वहाँ पर श्रीचंद शर्मा हैं, विधायक हैं, MLC हैं, उनके लड़के अविनाश शर्मा को साथ लेकर, बाउंसर साथ लेकर उस शादी को जबरन रुकवाती है और वहाँ पे हंगामा करती है और उनकी पत्नी के साथ में मारपीट करती है, जिसका मुकदमा इन्होंने मंजुला थाने मुरादाबाद में दर्ज भी कराया था और उसने अपना राजनीतिक प्रभाव इस्तेमाल करते हुए 376 का एक फर्जी मुकदमा इनके खिलाफ लिखवा दिया। अब उस मुकदमे को ट्रांसफर करा दिया था ना सिविल लाइन में, तब से सिविल लाइन पुलिस लगातार इनको, इनकी पत्नी को और इनकी बेटी को जो डॉक्टर है उसको गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। 376 के मुकदमे, सीधी बात है, सीधा सवाल ये है कि इस आदमी का, है ना, ये 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, इनका, इनकी पत्नी का या इनकी डॉक्टर बेटी का क्या मतलब है 376? कोई, है ना, मतलब नहीं है। फिर सूचना ऐसे भी आ रही है कि इनमें प्रेम प्रसंग रहा है आपस में? कोई प्रेम प्रसंग नहीं है इसमें, क्या है, सुषमा सिंह है महिला आयोग की उपाध्यक्ष, वो लगातार इन पुलिस प्रशासन पर दबाव बना रही है और प्रयास कर रही है कि ये गिरफ्तार हो। इनका आर्थिक, मानसिक, शारीरिक शोषण हो रहा है, इसमें सिविल लाइन पुलिस लगातार इनको भय दिखाती है कि आज हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। भाई गिरफ्तार बिना एविडेंस के कैसे आप लगी क्या कर लेंगे? हम पहले SSP से भी मिले थे, SSP साहब से मिले थे, हमने सब अधिकार मिल लिए, AD साहब से मिले, AD साहब ने कहा कि मैं SSP से बात करूंगा, IO को तलब करूंगा, पूरी बात समझ के इसमें कार्रवाई लगी मैं कराता हूं, जो भी सही घटना होगी वो। हम भी ये कह रहे हैं जो सही घटना हो उसके अनुसार कार्रवाई हो। भाई हमने बलात्कार किया तो आप प्रमाण तो दो उसका, किसी भी चीज़ का। अब जो लड़की जबरन अपना प्रभाव संभाल मुरादाबाद में मुकदमा करा सकती है तो क्या आप ये सीधी बात नहीं करेंगे कि भी वो लड़की खुद भी वकील है? वो लड़की नॉन पर्चेसिंग एडवोकेट है वैसे तो, अपने आप BJP की नेता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नेता। उधर जब भाजपा नेत्री से संपर्क किया गया तो उसने बताया कि सारा मामला कोर्ट में पहुंच चुका है, केस को कमजोर करने की नीयत से ही अफसरों से मिलकर उसके खिलाफ शिकायती पत्र दिए जा रहे हैं, उसे न्यायालय पर पूरा भरोसा है। फिलहाल इस खबर में आज इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।